पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने अटल जी की मौत को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भूरिया ने कहा कि अटल जी की मौत 14 अगस्त को ही हो गई थी, परंतु प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को झंडा फहराने आए थे, इसीलिए उनकी मृत्यु को छुपा कर रखा गया। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त के बाद उनकी मृत्यु घोषित की। अब वह उनकी अस्थियों को लेकर पूरे देश में निकले हैं। अस्थि पूजन कार्यक्रम में उनकी पार्टी के लोग हंसी मजाक करते और ठिठोली करते देखे गए। मोदी सरकार ने उनकी दुर्गति कर दी है। भूरिया ने झाबुआ जिले में शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारियों कर्मचारियों से यात्रा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और प्रशासन ने 50 लाख रुपए यात्रा पर खर्च कर दिए हैं। आज समाज का हर वर्ग परेशान है। शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, क्षमा याचना यात्रा निकालनी चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आशीर्वाद यात्रा लेके निकले हैं, वो करोड़ रुपए उसमें अपने बर्बाद कर रहे हैं, पूरे जनता का पैसा, और भाजपा अपना राजनीति धार तेज करने में घूम रही है कि मतलब हमको आधार से मिल जाए। प्रशासन पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। आज देखिए, मतलब छात्रावास से 10,000 रुपये मांगे उन्होंने, पटवारी से मतलब 15-20,000 रुपये मांगे, सभी अधिकारियों से पैसा चंदा का तो उन्होंने भूसा लगा दी। तो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किया उन्होंने भाजपा, 1 करोड़ रुपये, और कलेक्टर को कह दिया सब ये हमारी तैयारी करे तो 50 लाख रुपये ओला खर्च हुए, 50 लाख। ये आशीर्वाद यात्रा, ये आशीर्वाद यात्रा नहीं, उनको शिवराज जी को अगर थोड़ी भी मैंने समझ आ रहे उनको मैंने क्षमा याचना यात्रा निकालनी थी कि 15 साल तक मैं लोगों को कुछ कर नहीं पाया तो मैं माफी मांगना, माफी मांगते तो समझ में आ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने पेटलावत ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेंद्र कांसवा को लेकर भी कई सवाल उठाए। भूरिया का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राजेंद्र कांसवा को भगाया है। हमारे पास इस बात की जानकारी है कि पुलिस ने उसे पहले मोहनखेड़ा और बाद में मेघनगर रेलवे स्टेशन से मुंबई भेजा, जहां से वह विदेश भाग गया है। राजेंद्र कांसवा का उसने बता दिया कोटली, उसने राजेंद्र कांसवा आज वो जिंदा है, वो विदेश में सरकार ने भेज दिया, और उन्होंने नार्को को करने के बजाय उन्होंने टेस्ट दे दिया, 50-3.5 लाख रुपये उनको देना थे दे नहीं पाए, और उन्होंने कोटली इधर उधर ला के कर दिया, पर निकला ही नहीं वो। तो कितना बड़ा उन्होंने एक कितना बड़ा 80 लोगों की जाने लेने वाला आदमी को सरकार ने बचा के उनको विदेश सुरक्षित भेज दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपए देने की मांग भी की है। साथ ही यह कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसकी CBI जांच भी कराएंगे। भूरिया का कहना है कि हम सरकार से जांच का कहते रहे, पर सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। और जो 50-50 हजार एक व्यक्ति को देना था वो उन्होंने दिया नहीं पैसा, 3.5 लाख रुपया, तो न नार्कोटेस हो पाया न कोई सिद्ध हो पाया, पर उन्होंने सरकार ने घोषणा कर दी कि राजेंद्र कांसवा मर गया।